अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किचन गार्डनिंग टीवी के ऊपर आपका। दोस्तों, आजकल चल रहा है सीज़न, सर्दियां शुरू होने वाली हैं और बहुत से जो किचन गार्डनर लवर हैं और जो न्यू किचन गार्डनिंग में आ रहे हैं लोग दोस्तों, उनको पता नहीं होता कि सर्दियों में हम कौन सी सब्ज़ियाँ घर पर काश्त करें जिनको हम घर पर आसानी से उगा सकते हैं। तो नॉर्मली ये इसका सीज़न होता है अक्टूबर नवंबर में लगा सकते हैं, सितंबर के आखिर से शुरू हो जाता है और फिर अक्टूबर का पूरा महीना और नवंबर के हाफ तक भी लगाते हैं लोग, एंड तक भी। तो हम लोग लगाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाएंगे जो वन वन करके लगाएंगे। तो आज हमने सोचा कि वो लिस्ट आपको पूरी बता दें सब्जियों की, ताकि आपके लिए इजी रहे, आप कंफ्यूज ना हो और उनमें से जो आपको पसंद हो वो आप घर पे लगा लें। तो टोटल हमने 15 सब्जियां जो हैं वो इस लिस्ट में ऐड की हैं और उनकी प्योरिटी के हिसाब से कि जो सबसे ज़्यादा है, जिसके बगैर घर में कोई बनता ही नहीं है, कुकिंग नहीं होती, तो वो उस हिसाब से। फिर सबसे पहले इस नंबर में आता है धनिया। तो धनिया तो आपको पता है हर किचन में, आप कई लोग सैलड में भी यूज़ करते हैं, हर जो भी हांडी बनाते हैं घर में तो उसमें डलने डलने हैं। दूसरे नंबर पे आती है हरी मिर्च। धनिया जो होता है इसको सीड से उगाते हैं और हरी मिर्च जो होती है इसकी बाजार से पनीरी भी मिल जाती है, छोटे छोटे पौधे, वो भी आप लगा सकते हैं और बीज से भी इसको उगा सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है प्याज। प्याज जो है वो नॉर्मली तो पूरा साल के लिए घर में नहीं उगा सकते, मगर थोड़ा बहुत आप 2-3 गमलों में लगा सकते हैं, क्योंकि हरा प्याज जो होता है ना उसका मज़ा ही अलग होता है। तो वो जो भाई जो बहने हैं जो हमारी, वो यूज़ कर सकते हैं कुकिंग में। और उसके बाद लहसुन हो गया, लहसुन भी आप जो हरा लगाते हैं वो यूज़ हो जाता है और उसको पूरा आप पका के भी ले सकते हैं, उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद पाँचवें नंबर पर आ जाता है मोगरा। ठीक है, मोगरे के तो 2 प्लांट भी होना, 2 गमलों में आप लगा लो तो पूरी फैमिली के लिए काफ़ी होता है, तो ये फल फिर देते रहता है। और उसके बाद आ गई मेथी 6 नंबर पे ऊपर, और 7वें नंबर के ऊपर आ गई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आपको पता है कि बाजार में छोटी छोटी डब्बियाँ आपको बना के देते हैं सुखा के, तो आप घर पे लगा के इसको सुखा सकते हैं और फिर आपके लिए 6 महीने साल काफ़ी है। और 8वें नंबर के ऊपर आ गई है पालक, और आप पता है इसमें आयरन काफ़ी होता है, तो पत्तों वाली सब्ज़ियाँ भी खानी चाहिए, डॉक्टर भी कहते हैं सेहत के लिए अच्छी होती हैं। और उसके बाद 9 नंबर पे आ गई है फूल गोभी, और 10 नंबर पे आ गई है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में 2-3 कलर, नॉर्मली तो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा हरा जो शिमला मिर्च मिलती है वही यूज़ करते हैं, मगर इसमें 2-3 रंग और भी होते हैं, येलो हो गया, रेड हो गया। तो जो येलो रेड होते हैं ना उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, डॉक्टर जो एक्सपर्ट है न्यूट्रिशन एक्सपर्ट वो कहते हैं। तो कोशिश करें घर पर 2-3 रंग की उगाएँ, बच्चों को देखने में भी खाने में भी अच्छी लगेंगी, आप उनको ऑमलेट वगैरह में डाल सकते हैं, कुकिंग सकते हैं। और 11 नंबर पे आ गए जी शलजम, और 12 पे आ गए आपके मटर, मटर की बेलें आप लगा के ऊपर किसी चीज़ से बांध सकते हैं। और 13 नंबर पे आ गए बैंगन। बैंगन में भी 2-3 वैरायटी होती हैं, एक तो रेगुलर जो होते हैं कलर वही होता है और उसमें गोल होते हैं और लंबे साइज़ के भी एक छोटे मिलते हैं और उसमें सफ़ेद रंग के भी होते हैं, तो जो आपको पसंद हो ये आप बीज से भी उगा सकते हैं और इसकी पनीरी भी मिल जाती है वो भी आप लगा के उससे भी उगा सकते हैं। 14 नंबर पर आ गया जी किंग ऑफ द वेजिटेबल, सर्दियों का जो हमारा होता है पंजाब में स्पेशली साग। साग का तो फिर कहते हैं कि साग जब तक कोई पंजाबी खाए ना उसको मज़ा ही नहीं आता, सर्दियों में कहते हैं सर्दियाँ पता नहीं चलता। और 15 नंबर पे आ गए हैं जी आलू। ठीक है, तो ये हमारी 15 सब्जियों की लिस्ट थी और ये आप घर पे आसानी के साथ गमलों में, पॉट में, टोकरियों में, डस्टबिन में, जिसमें आपका दिल करे आप ग्रो बैग में उगा सकते हैं। और इंशाल्लाह आपको जो इनका लगाने का प्रोसेस है वो भी अगली वीडियो में दिखाएंगे, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।